लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिस पर रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने रोजगार क्रांति ला दिया, उसके डर के मारे पहले जो वादा बिहार की जनता के सामने किया है, पहले उसका जवाब देना चाहिए, फिर नया मैनिफेस्टो लाना चाहिए। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, रोहिणी जी किस तरीके से देखते हैं नौकरी की बात? आरजेडी नहीं, आरजेडी जी तो जवाब दे ही रहा है। थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए। आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, बाद में फिर बात करते हैं आप लोग। वैसे नहीं भैया, वैसे नहीं, मुंह पे ही लग जाएगा। ऐसे लगाइएगा, देखिए नौकरी की भी बात कर रहे हैं। नौकरी अभी तो होड़ लगा हुआ है ना क्रेडिट लेने का। हाँ, जो तेजस्वी ने रोजगार क्रांति ला दिया, उसके डर के मारे अभी ये लोग पहले जो अपना वादा जो बिहार की जनता के सामने किए थे, क्यों नहीं दिए, उसका जवाब देना चाहिए, फिर नया अपना मैनिफेस्टो लाना चाहिए। वही राजनाथ सिंह द्वारा आरजेडी पर जमकर हमला बोला गया। राजनाथ सिंह ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं। क्या हो गया है लालू जी? बहनों भाइयों, लालू जी हमारे मित्र हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं? सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डाल देंगे। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। बहनों भाइयों, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, अच्छी तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मोदी का जेल जाना यह हिंदुस्तान की जनता को कतई स्वीकार नहीं हो। इस तरीके की बातें जो राजनाथ सिंह के हमले पर रोहिणी आचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सारे मेरे बुजुर्ग लोग हैं, इनको जो बोलना है बोलने दीजिए, हम लोगों को सिर्फ उनसे आशीर्वाद चाहिए, अपनी बेटी को आशीर्वाद दें, बस ये हमारा संस्कार है। आज आपके परिवार पर जमकर हमला किया है जमुई में, क्या कहेंगे इस पे? बोले ना, ये लोग सारे मेरे बुजुर्ग लोग हैं, इनको जो बोलना है बोलने दीजिए, हम लोग तो बस खाली इनसे आशीर्वाद चाहिए कि बेटी को आशीर्वाद दीजिए, बस ये हमारा संस्कार है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी दिखती है, इसमें आने वाले समय में विकसित भारत की तस्वीर दिखती है। आने वाले 5 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगा। आर्थिक शक्ति मजबूत होगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जिससे सबको समान न्याय मिलेगा। आने वाले समय में यूसीसी का सपना जो भारत के लोग देख रहे थे, वो सपना पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया है। जिस संकल्प पत्र में विकसित भारत दिखता है, जिसमें मोदी की गारंटी दिखती है, जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है और मोदी की गारंटी है, उस समय तक प्रति व्यक्ति आय भारत का दुनिया में सबसे ज्यादा होगा और 5 वर्षों में भारत 5वीं आर्थिक ताकत से बढ़कर वह तीसरे पायदान पे आएगा और भारत को मजबूत करेगा। आज मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी गई। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जिससे भारत में न्याय लोगों को एक प्रकार से उनको मिलेगा। आज जिसका सपना भारत देख रहा था, वह आज यूसीसी का सपना पूरा होगा। आज 70 वर्ष से ऊपर की आयु की सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी, चाहे वो किसी वर्ग की महिला हो, उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे ये भी कहा कि 70 साल के ऊपर की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, उनको आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। किसान सम्मान योजना मिलती रहेगी और 80 करोड़ मुफ्त गरीबों को खाना मिलता रहेगा। इस तरह से गरीबों के लिए ये काफी लाभदायक होगा। इस तरह से संकल्प पत्र में नरेंद्र मोदी ने सबकी चिंता की है, किसान की, युवाओं को रोजगार की, गरीबों की, महिलाओं की। इस संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी दिखाई देती है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।